इस खबर के प्रायोजक हैं दिलशाद अहमद, जो कि 65 बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए निवेदक MIM पार्टी बुलंदशहर। इसी के साथ समय हो गया है उत्तर प्रदेश की खास खबर का। चलिए देख लेते हैं कौन सी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने ये पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाली हुई है। विधानसभा बुलंदशहर के उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने से लेकर परिणाम आने तक सभी स्थिति पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें, हर जगह जाकर हर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरी व्यवस्था कराए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के लिए आरक्षित स्ट्रांग रूम कक्षों के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अलावा महामारी को देखते हुए साफ सफाई, साज सज्जा सभी दुरुस्त कराए गए हैं। सभी कक्षों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूरे निर्देश जारी हो चुके हैं, क्योंकि निर्वाचन पूरी तरह से निर्विरोध होना चाहिए, बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिसे वो बाखूबी निभा रहे हैं।